श्री राहुल कास्तान जी, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अध्यक्ष मैम, मेरे लोकसभा क्षेत्र चूरू के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग 2016 में प्रिंसिपली अप्रूव हुआ था। सरसा हरियाणा के अंदर NH9 के ऊपर है और चूरू NH52 के ऊपर। ये 173 किलोमीटर का नेशनल हाईवे प्रिंसिपली अप्रूवल 2016 में हुआ मैडम। इसके बाद में इसकी मैम DPR का काम दिया गया। DPR का काम भी कंप्लीट हो गया, एक डेढ़ दो साल से ऊपर हो गया है। मैडम, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे है। ऐसी हालत है इस रोड की, ये हालांकि आज की तारीख में स्टेट हाईवे के रूप में है, पर जैसे प्रिंसिपली अप्रूवल हुआ है तब से स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। तारानगर से चूरू मैडम 35 किलोमीटर की रोड के ऊपर कम से कम 2.5 घंटे का सफर लगता है और बहुत ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चूरू होने के कारण वहां बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जो प्रिंसिपली अप्रूव्ड है, दो दो साल से मैं BPR जिनकी बन चुकी है, उन राष्ट्रीय राजमार्ग को नंबर दिया जाए और नंबर देने के पश्चात बजट की आवंटन किया जाए ताकि वो रोड बन सके। और बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है, मैं पंजाब से डायरेक्ट गुजरात को जोड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे है, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत करके कोशिश करके इसको अप्रूव करवाया था। मैं आपसे निवेदन करता हूं मैडम, आपके माध्यम से, कि सरकार इसके लिए बजट आवंटन करे।